Welcome students in your 6th lecture. Students, इसमें हम लोग general scientific fact और world of computer से related information gather करेंगे. तो आइए students देखते हैं कि इसमें क्या क्या है. इससे general scientific facts जो है science से related कुछ questions है जिससे हमको समझना है कि क्या है वो. Dash is the lightest metal, यानी कि सबसे हल्का धातु कौन सा है. तो lithium is the lightest metal. The common antiseptic obtained from seaweed. Seaweed से निकलने वाला सबसे common antiseptic कौन सा है. तो iodine हमको वहाँ से मिलता है. Dash gives blood its red color. कौन सी ऐसी चीज़ है जो blood को अपना red color देती है. तो वो hemoglobin ही है जिसकी वजह से blood आपका red होता है. Dash dash red, blue and green are the three colors that are really produced by a color television sets. देखिए जो तीन ये मुख्य कलर हैं red, blue और green, ये तीनों कलर की वजह से ही टीवी आपका जो कलर टेलीविजन सेट्स होता है वो उसमें बाकी सारे कलर्स आते हैं. उसमें मुख्यतः आपका red, blue और green है. Dash is the most useful mineral known to man. सबसे ज़्यादा useful mineral अगर कुछ है कोई है तो वो आपका sodium chloride है. The study of the nose and its disease is rhinology. जिस science का ऐसा subject, ऐसा science का ऐसा science subject में ऐसा subject जिससे हम लोग nose से related disease के बारे में पढ़ते हैं वो है आपका rhinology. The three main gases that make up the air that we breathe are. The three main gases that make up the air that we breathe are. मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं वो जो हवा है वो ऐसे तीन कॉमन जो गैसेस हैं उससे मिलकर बने हैं. वो कॉमन गैसेस आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है. और उसके बाद आता है आपका डैश इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन टू मैन. Diamond is the natural hardest substance known to man. During thunderstorm, we see the lightning flash before we hear the thunder roll because lightning travels faster than sound. During the thunderstorm, we see the lightning flash. कहने का मतलब है कि जब भी बादल गरजता है, बिजली चमकती है, तो इससे पहले कि हम लोग आवाज सुने उससे पहले हम लोगों को बिजली की जो गड़गड़ाहट है वो दिखाई देती है. तो कहने का ये मतलब है कि लाइट जो है वो ज़्यादा तेज है साउंड से. डैश प्रूव द प्लांट्स टू हैव लाइफ. किसने ये प्रूव किया कि प्लांट्स में भी लाइफ है, यानी उसमें जिंदगी है. जगदीश चंद्र बोस जो भारतीय साइंटिस्ट थे, आपके बोटेनिस्ट थे, जिनको जिन्होंने इस बात का प्रूफ किया, दुनिया के सामने रखा कि हाँ पेड़ों में भी जीवन होता है. डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज पॉपुलरली नोन एज विनेगर. डाइल्यूट एसिटिक एसिड को हम लोग विनेगर के तौर पे भी जानते हैं. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट. कहने का ये मतलब है हमारे शरीर का जो नॉर्मल जो तापमान है वो कितना है. तो 37 डिग्री सेल्सियस में है और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है. अब आइए स्टूडेंट्स आपको वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर की तरफ लेके चलते हैं. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स एक्यूरेटली एंड वेरी फास्ट. नाउएडेज कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. चेक योर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स. स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें. हु डेवलप्ड द वर्ल्ड वाइड वेब. किसने वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किया. तो इसमें नाम आता है आपका टीम बर्नर्स ली. टीम बर्नर्स ली जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब के को इन्होंने डेवलप किया, यानी इसके बारे में लोगों को बताया. विच ईयर वॉज द इंटरनेट क्रिएटेड इन.
किस साल इंटरनेट का जो है बनाया गया या फिर उसके बारे में लोगों को बताया गया या फिर ऐसा हुआ कि हाँ इंटरनेट भी कोई चीज़ है। ये 1983 में इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। विच आइकॉन शुड यू क्लिक ऑन योर कंप्यूटर टू रिकवर द डिलीटेड फाइल्स, कौन सा ऐसा आइकॉन है यानी कौन सा एक ऐसा चिन्ह है जिस पे क्लिक करने पे जो आपके कंप्यूटर में जो भी आपके फाइल्स जो हैं जो आपके कंप्यूटर में जो है एक ऐसा साइन है उसको अगर ऑन करते हैं तो जितने भी डिलीटेड फाइल्स हैं वो सभी रिकवर्ड हो जाते हैं रिसाइकल बिन। वेयर आर द हार्डवेयर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर फिटेड ऑन, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट हैं वो कहाँ पे फिट किए जाते हैं, तो मदरबोर्ड में वो लोग फिट किए जाते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। अब आपके सामने कुछ फोटोज़ हैं जिनको देख के आपको पहचानना है कि वो क्या क्या है। तो पहला नंबर है आपका CPU, दूसरा आपका वेब कैमरा है, थर्ड आपका माउस है, फोर्थ CD है, फिफ्थ आपका स्कैनर है, सिक्स्थ मॉनिटर है, सेवन्थ कीबोर्ड है, एट प्रिंटर है, नाइन्थ आपका पेन ड्राइव है और आपका जो आगे जो का जो एक्सरसाइज है वो भी देख लीजिए आप लोग। स्पेस एक्सप्लोरेशन कहना का मतलब है स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें आपको इस प्रॉपर पार्ट में यानी लेसन नंबर 10 में आपका दिया गया है। इसमें आप देखिए क्या क्या है। ट्रैवलिंग इन स्पेस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचर इन हिस्ट्री आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, एन एक्सपेरिमेंटेशन चेक हाउ मच यू नो। आइए कि जो विश्व ने जितने भी अपने आप को डेवलप किया उन सभी डेवलपमेंट में जो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो स्पेस के बारे में वो बिल्कुल अद्भुत है और बहुत ही मतलब अतुलनीय है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। व्हाट डू यू कॉल ए साइंटिस्ट हु इज़ कंसर्न्ड विद द वेदर, कहने का मतलब जो वेदर के बारे में जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं, तो दे आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है। सेकंड, प्रोब्स आर अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट सेंट इनटू स्पेस टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। प्रोब जो है एक अनमैन्ड यानी बिना इंसान वाला स्पेसक्राफ्ट है जिस जो स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर्ड करने के लिए इंसान रहित उसको भेजा जाता है। व्हाट डू दीज प्रोब्स कैरी, और ये जो प्रोब्स जो हैं वो क्या क्या कैरी करते हैं यानी अपने साथ में वो लोग क्या क्या लेकर जाते हैं, तो वो लोग लेके जाते हैं आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, रेडियो, कैमरा और ट्रांसमीटर्स, ये सभी चीज़ें वो लोग लेके जाते हैं और वहाँ पे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं और उसको लेकर आते हैं या वहीं से भी सेंड कर देते हैं। व्हाट इज़ ए क्रूलेस स्पेसक्राफ्ट टर्म्ड एज, जो बिना किसी इंसान का जो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको अनमैन्ड बोलते हैं, उसको हम लोग अनमैन्ड बोलते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, इंडिया का जो है बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है, ध्रुव, उसका नाम क्या है, ध्रुव। वेयर इन इंडिया इज थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लोकेटेड, इंडिया में जो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में। सिंस विच ईयर हैज़ स्पेस ट्रैवल बीन पॉसिबल, कौन से साल से स्पेस ट्रैवल जो है पॉसिबल हो पाया, इट हैज़ बिकम पॉसिबल सिंस 1950।
What is the minimum speed required by an object to escape from the gravitational pull? This speed is known as speed space velocity. कहना का मतलब as कौन सी स्पीड है जिस उस स्पीड पे अगर रॉकेट्स वगैरह को लॉन्च किया जाता है, सॉरी ऐसी मिनिमम स्पीड कौन सी है जो आसानी से आपको ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशन का जो पुल होता है यानी जो अपनी तरफ आकर्षण करने की जो शक्ति है होती है उससे आगे निकला जा सकता है। तो ये है आपका 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड, इतने का अगर स्पीड रहेगा तब जाके आप जो है स्पेस का जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है यानी गुरुत्वाकर्षण की जो आकर्षण की क्षमता जो है उससे बाहर आप निकल सकते हैं। द स्पेस क्राफ्ट मूविंग स्लोअर दैन द एस्केप वेलोसिटी, अगर कोई स्पेस क्राफ्ट जो है एस्केप वेलोसिटी से कम चल रहा है, when moving away from the earth will gradually slow down and fall back to the earth true or false, कि अगर वो जो है escape velocity यानी अगर कोई वस्तु जो है 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड से कम स्पीड से अगर चल रहा हो तो क्या वो स्पेस क्राफ्ट जो है वो जो ग्रेविटेशनल वाला जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल पाएगा या फिर दोबारा वो धरती पे आके गिर जाएगा। तो वाजिब सी बात है अगर उतना स्पीड वो कैरी नहीं करेगा तो आपको धरती पे वापस आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैरिड इनटू स्पेस बाय रॉकेट वेयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड प्रोब्स, जो पहला ऑब्जेक्ट जो कैरी किया गया स्पेस में रॉकेट के द्वारा वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, और क्या ये सच है या झूठ है यानी ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये ट्रू है, पहली बार जो स्पेस में जो रॉकेट भेजा गया था वो अनमैन्ड था, उसमें किसी तरह के कोई भी इंसान नहीं थे और उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, और ये कथन जो है सत्य है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग हु वाज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू गो इनटू स्पेस, पहला ऐसा कोई भी लिविंग क्रिएचर यानी कि जिंदा जो है पहला कोई ऐसा जो जीवित गया वो कौन था, वो लाइका था, एक वो डॉग था जो गया था, जो पहला लिविंग क्रिएचर था जो स्पेस में ट्रेवल किया। तो स्टूडेंट्स आगे के लेक्चर के लिए अगला देखते हैं, तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, स्टे होम एंड स्टे सेफ।